हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार गेम सेकर में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस की रेसलिंग रेवोल्यूशन 3D गेम में रेसलमेनिया के रिनाज को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कैसे यूज़ में ले सकते हैं। दोस्तों, रेसलमेनिया के जितने भी एरिनाज हैं उन सभी की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दी है और उस लिंक पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, रेसलमेनिया 22 से लेकर के रेसलमेनिया 33 तक के जितने भी रेसलमेनिया एरिना है जो रेसलिंग रेवोल्यूशन 3D गेम के लिए हैं उन सभी की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आपको उन लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद में आप एडफ्लाई के पेज पर पहुंचेंगे। वहां पर आपको 5 सेकंड वेट करना है, उसके बाद में आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, उन्हें डाउनलोड करने के बाद में आपको उन्हें यूज में कैसे लेना है इसके बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर से एक APK डाउनलोड करनी है जिसका नाम है APK एडिटर। दोस्तों, आप इसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे APK एडिटर, तो जो ये वाली एप्लीकेशन है ये APK एडिटर है। इसे इंस्टॉल कर लेने के बाद में आप इसे ओपन करेंगे तो आपको रेसलिंग रेवोल्यूशन 3D गेम को अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद में जो दूसरे नंबर वाली ऑप्शन है सेलेक्ट APK फ्रॉम ऐप, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में जितने भी APK हैं आपके फ़ोन में वो सारे आ जाएंगे। तो इनमें से जो आपका रेसलिंग रेवोल्यूशन 3D गेम है या कोई भी मोड वर्जन है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। इनमें से आपको जो बीच वाली ऑप्शन है सिंपल एडिट फाइल रिप्लेसमेंट, क्योंकि हमको एरिना रिप्लेस करना है तो हम फाइल रिप्लेसमेंट सिंपल एडिट वाले पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ फोल्डर दिख रहे हैं, तो इनमें से असेट्स के नाम से जो फोल्डर है असेट्स, ये दूसरे नंबर पर जो फोल्डर है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में अगर आपको एरिना चेंज करना है तो एरिनाज पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको एरिना ZF3D, एरिना बेसिक, एरिना वॉर गेम्स, एरिना वॉर गेम्स बेसिक, ये 4 फाइल्स दिख रही हैं। और इनके सामने जो है ऑप्शन, ये किसी एरिना को रिप्लेस करने की ऑप्शन है और ये उस एरिना को सेव करने की ऑप्शन है। तो आपको एरिना को रिप्लेस करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर आपने जो एरिना डाउनलोड किए हैं उन्हें। उस फोल्डर में जाने के बाद में जो भी एरिना आपको चेंज करना है उस पर क्लिक कर देंगे। ऐसे ही आपको इन चारों में जो भी एरिना चेंज करना है उस पर क्लिक करके, यहाँ पर इन चारों पर क्लिक करने के बाद में सेव, यहाँ पर आप इसे सेव कर देंगे गेम को। इस गेम को सेव कर देने के बाद में आपको कुछ देर तक वेट करना पड़ सकता है। इसे इंस्टॉल कर लेने के बाद में जब आप कोई भी मैच करेंगे तो उसका एरिना चेंज हो जाएगा जिस एरिना से आपने उसे रिप्लेस किया है। अब मैं आपको रेसलमेनिया के कुछ एरिना है मेन उनको दिखा देता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल गेम सेकर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।